जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SSC GD की नई भर्ती यहां पर जारी हो चुकी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 24 नवंबर से लेकर आपका शुरू हो चुका है और 31 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आपका कोई फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आपका एक विंडो भी खुलेगा, जो कि 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी उसका टाइम रहने वाला है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपका फॉर्म भरते समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है, यानी द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आप तभी भर पाओगे जब आपको जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस SSC GD के अंदर आती है उनके बारे में आपको पता होगा, उनकी ड्यूटियाँ क्या क्या है, कितना सैलरी मिलता है और क्या क्या सुविधाएं मिलती है, ये जब आपको पता होगा तभी आप जाकर अपनी फर्स्ट चॉइस भर सकते हो। दोस्तों, इसको एक माध्यम से समझते हैं कि अगर आपने एक गलती यहाँ पर कर दी आपके फोर्स को जो आपको अच्छी लगती है, जो फोर्स आपको अच्छी लगती है, वैसे देखा जाए तो SSC GD के अंदर जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस आती है दोस्तों, सभी अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छी है। आपको जो भी कोई फोर्स मिलती है आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्तों बेरोजगारी बहुत है और एक पोस्ट आपको मिलना, एक फोर्स आपको अगर मिल जाए तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर फर्स्ट चॉइस भरना है तो आपको और आसान कर देता हूँ, आपको जो भी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलने वाली उसके आधार पर अब आप फर्स्ट चॉइस आराम से भर सकते हो। दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे आपका SSC GD 2024 के लिए आपका 120 स्कोर आता है और आपने फर्स्ट चॉइस यहाँ पर CRPF को दिया है। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको पता ही होगा CISF या SSF को ले लीजिए, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरीट फोर्स है। आपने यहाँ पर 115 मेरिट यहाँ पर मान लीजिए कि उसका गया है और आपने 120 नंबर आपके आए हैं और आपने फर्स्ट चॉइस जो है CRPF को दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको CRPF मिल जाएगा, ना कि आपको SSF मिलेगा। और देखा जाए तो SSF की ड्यूटियाँ बहुत ही अच्छी है और सेंट्रल सेक्रेटरीट फोर्स है, जो कि आप हमारे जो भी स्टेट के जितने भी यहाँ पर पार्लियामेंट होते हैं उनकी निगरानी, उनकी सुरक्षा की जवाबदारी SSF की होती है। तो लेकिन आपको SSF नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपका 120 नंबर है लेकिन आपने CRPF को फर्स्ट चॉइस दिया है। तो दोस्तों, आप फर्स्ट चॉइस जो है तभी अच्छे से भर पाओगे जब आपको इन जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी ड्यूटियाँ, उनकी सुविधाएँ और उनकी छुट्टी सैलरी सब आप जब आपको पता होगा तभी आप इस पर अच्छे से चॉइस भर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं BSF की। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको बोला जाता है, जो कि हमारे भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा पूरे तैनाती के साथ यहां पर BSF करता आ रहा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अन्य भी जैसे इलेक्शन ड्यूटियां हो गई और कई सारी अगर लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियां है उसका भी निर्वहन BSF करता है। और आपने वाघा बॉर्डर जो अटारी बॉर्डर है वहां पर भी आपने रिट्रीट सेरेमनी कभी देखा होगा, तब आपको याद आ जाएगा कि BSF कितनी मानी हुई फोर्स हमारे देश की है। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसकी जो छुट्टी है उसकी बात करें तो लगभग दो मंथ की आपको EL दी जाती है और 15 दिन की CL, यानी आपको 2.5 महीने की छुट्टी इसमें मिलती है। और बाकी जो सुविधा है आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में सभी की जितनी भी सुविधा है सभी की बराबर है। और आपको दोस्तों, इसी के साथ साथ सैलरी की बात करेंगे तो लगभग सभी का बेसिक जो यहाँ पर एक समान है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी जो फोर्स है उसकी बात करेंगे CISF, तो CISF की बात करेंगे दोस्तों, आपको बता दूं CISF की जो ड्यूटियां है आपको पता ही होगा, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसके नाम में ही दोस्तों इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी जितने भी हमारी गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज है, जैसे आपको पता ही होगा कोल इंडिया, इसी के साथ साथ दोस्तों स्टील ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जितने भी हिस्टोरिकल पैलेस है, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स, हिस्टोरिकल पैलेस, उसकी जवाबदारी CISF बखूबी से निभाता आ रहा है। दोस्तों, आपको पता ही होगा जितने भी हमारे मेन महानगर है, हमारे बड़े बड़े शहर है, उसमें CISF आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ड्यूटी की बात करें तो बहुत अच्छी ड्यूटीज CISF की है। और इसी के साथ साथ साथियों, बात करेंगे छुट्टी की, तो CISF में छुट्टी बाकी फोर्सों से आपको 1 मंथ की छुट्टी यहाँ पर कम मिलती है, यानी आपको 1 मंथ की EL और 15 दिन की CL दी जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना होगा, यहाँ पर CISF में आपको 1 महीने का सैलरी ज़्यादा इसीलिए दिया जाता है। तो दोस्तों, 1 महीने का सैलरी आपको CISF में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसका जो कोड है वो B है, BSF का A कोड है। और दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 3 नंबर की जो फोर्स है CRPF, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का काम तब इसको बुलाया जाता है
स्टेट पुलिस जो है जब हमारी उनकी जो ड्यूटी या उसके बाहर हो जाती है कार्य क्षेत्र के, तब सीआरपीएफ को बुलाया जाता है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। इसी के साथ साथ नक्सल प्रभावित जितने भी क्षेत्र है और जो भी हमारी बाकी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियाज है उसके लिए सीआरपीएफ को पाचारण किया जाता है या सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। दोस्तों सीआरपीएफ की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 महीने की छुट्टी, 15 दिन की सीएल और बाकी जो आपका अलाउंसेस है वो भी इसमें देखने को मिलेंगे। बाकी जो सैलरीज है बेसिक है सब इसका बाकी फोर्सों के बराबर ही माना जाता है। और दोस्तों इसका जो कोड है वो सी कोड है। इसी के साथ साथ दोस्तों बढ़ते अगली फोर्स की तरफ, वो है दोस्तों एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, जो कि आपको भारत नेपाल सीमा पर तैनात मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटियाँ भी ये बल निभाता आता है, अगर कभी इलेक्शन में ड्यूटियाँ लगी तो भी ये बल यहाँ पर तैनात किया जाता है। तो इसका जो कोड है दोस्तों वो डी है और इसमें भी आपको 2 महीने की छुट्टी, 15 दिन की सीएल मिलेगी और बाकी जितनी भी सुविधाएं हैं वो भी आपको बराबर मिलेगी और आपको सैलरी भी इसका अच्छे सा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 5 नंबर की हमारी जो फोर्स है पैरामिलिट्री की, वो है दोस्तों ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। दोस्तों हमारी भारत चीन से सटी हुई जितना भी सीमा है उसकी सुरक्षा की जवाबदारी ITBP के कंधों पर है और ये बल दोस्तों बखूबी से ये अपनी जो जवाबदारी है उसको निभाता आ रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों ओलंपिक खेलों में भी इसने काफ़ी अपना नाम कमाया है और इसकी एक बात देखा जाए दोस्तों तो अगर आप एडवेंचर में आपकी रुचि है तो आप इस बल में जा सकते हो, क्योंकि भारत चीन सटी हुई जितनी भी सीमा है दोस्तों वो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर है, यानी जितने भी 9000 फीट से ऊपर इसका मेन एडवेंचर दोस्तों इस फोर्स का है। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो बाकी भी कई सारी जो प्लेन हमारे क्षेत्र है जैसे भारत के विभिन्न जगहों पर आपको ITBP मिलेगा। तो दोस्तों ITBP का देखा जाए तो यहाँ पर 2 महीने का ईएल है, 15 दिन का आपको सीएल भी मिलेगा और सैलरी की बात करें दोस्तों तो सैलरी भी इसका बहुत अच्छा खासा बनता है, क्योंकि जितने भी बॉर्डर है तो बॉर्डर अलाउंस आपको ITBP में देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा जो प्रमोशंस है प्रमोशंस दोस्तों आपको इन दो फोर्सों में देखने को मिलेगा। एक दोस्तों है SSB और ITBP, इन दो फोर्सों में आपको सबसे फास्ट यहाँ पर प्रमोशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी फोर्सों में भी प्रमोशन है लेकिन इन दो फोर्सों में सबसे फास्ट प्रमोशन आज की डेट में हो रहा है। दोस्तों इसी के साथ साथ बात करेंगे 6 नंबर की हमारी जो अगली फोर्स है वो है साथियों असम राइफल्स। असम राइफल्स जैसे कि इसका नाम में ही असम, ये असम राज्य के लिए बनी थी। इसी के साथ साथ दोस्तों जितने भी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य है उन कैंडिडेट के लिए सबसे अच्छी फोर्स असम राइफल है। अगर आप असम में ही अगर आपको ड्यूटी करना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों बात करें तो इसको पैरामिलिट्री की फोर्स बोला जाता है लेकिन आर्मी की इसको CSD कार्ड की सुविधा मिलती है और आर्मी की कई सारी फैसिलिटीज़ आपको असम राइफल में देखने को मिलेगी, ये एक इसका प्लस पॉइंट होता है। और दोस्तों जहाँ तक बात है छुट्टी की तो छुट्टी आपको 2 महीने का इसमें भी मिलेगा और 15 दिन का सीएल मिलेगा। बाकी सैलरी की बात करें तो सैलरी दोस्तों इसका भी अच्छा खासा सैलरी आपका बनता है और काफ़ी सारी सुविधाएं आपको आर्मी के बराबर इस फोर्स में देखने को मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ बात करेंगे SSF यानी स्टेट सेक्रेटेरिएट फोर्स, जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है अपने आप में अपनी ड्यूटियों के बारे में। और अगर आप फैमिली का भी आप सुख चाहते हो, फैमिली भी आप रखना चाहते हो तो आपको SSF ज़रूर चॉइस यहाँ पर भरना चाहिए, जिसका कोड H है। दोस्तों आप दोस्तों इन ड्यूटियाँ आपको इसकी छुट्टियाँ इसकी सैलरी और इनकी सुविधाओं के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले जो मेन वीडियो का टॉपिक है उसके लिए हम बात करेंगे दोस्तों, अब आपको चॉइस कौन सा भरना चाहिए। दोस्तों मेरी माने तो सभी पोस्टें जितने भी फोर्स ITBP BSF CRPF SSB असम राइफल SSF पैरामिलिट्री के अंदर जितनी भी फोर्स आती है दोस्तों सभी A1 है, आपको कोई सी भी मिले तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चॉइस भरना है तो मेरे मुताबिक अगर आज मानोगे, अगर दोस्तों मैं आपको प्रेफरेंस दूँ तो आपको यहाँ पर सबसे पहली चॉइस अगर ड्यूटियाँ और उनकी सभी जो रिस्क और फैसिलिटीज़ को देखते हुए यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहिए, जो कि कोड है जिसका H
वो है दोस्तों आपका SSCF आपको देना चाहिए, जिसका कोड H है। आपको कोड को ध्यान में रखते हुए कोड भरने में कोई भी गलती ना करे, जिसमें आपको बाद में पछताना ना पड़े, तो कोड को ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ साथ साथियों नेक्स्ट है आपको जो सेकंड चॉइस भरना है वो है दोस्तों आप सभी को पता ही है, जो कि आपका CISF दोस्तों जिसका कोड यहाँ पर B है। तो आपको CISF को सेकंड चॉइस देना है, फर्स्ट चॉइस आपको SSCF को देना है। थर्ड चॉइस की बात करेंगे दोस्तों तो इसके और उनको सबको देखते हुए आपको यहाँ पर SSB को यहाँ पर आपको थर्ड चॉइस देना चाहिए, क्योंकि प्रमोशन भी इसका फास्ट है और आपको सभी सुविधाएं इसको मिलेगी। तो D इसका कोड है, आपको SSB थर्ड चॉइस पे रखना चाहिए। दोस्तों बात करेंगे फोर्थ चॉइस आपको क्या देना चाहिए, तो फोर्थ चॉइस आपको यहाँ पर BSF आप दे सकते हो। दोस्तों BSF को आपको यहाँ पर फोर्थ नंबर पर रख सकते हो। BSF का कोड यहाँ पर A है। कोड को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि कोड भरते समय आपने गलती किया तो आप वहीं पर आपका मिस्टेक हो जाएगा। पांच नंबर की बात करें दोस्तों फोर्स की, तो पांच नंबर में आपको यहाँ पर ITBP को आप रख सकते हो। ITBP को दोस्तों आप यहाँ पर पांच नंबर पर रख सकते हो, जिसका कोड यहाँ पर E दिया गया है, तो आपको कोड सही से भरना है। दोस्तों छः नंबर की फोर्स की यहाँ पर बात करेंगे तो आपको यहाँ पर छः नंबर पर आप CRPF को रख सकते हो। CRPF भी अच्छी फोर्स है दोस्तों, बहुत अच्छी ड्यूटियाँ CRPF की है, अच्छा खासा अलाउंस इसमें भी मिलता है, जिसका कोड यहाँ पर C है और C आपको कोड याद रखना है CRPF का। इसी के साथ दोस्तों लास्ट हमारी फोर्स जो है बचती है वो है दोस्तों असम राइफल। असम राइफल दोस्तों पैरामिलिट्री की फोर्स मानी जाती है, लेकिन जितनी भी सुविधा है इसको आर्मी के बराबर की सुविधाएँ दी जाती है। तो असम राइफल का जो कोड है दोस्तों वो है F कोड। आपको असम राइफल को इसीलिए लास्ट में रखा गया क्योंकि ये केवल असम राज्य के लिए यहाँ पर इनकी ड्यूटियाँ ज़्यादातर रहती है। दोस्तों बाकी जितने भी फोर्सेस है सभी अच्छी है, आप अपने चॉइस के अनुसार फोर्स यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ जितने भी यहाँ पर फोर्स की ड्यूटियाँ मैंने बताई है आपको समझ में आई होगी, उनकी सुविधाएँ छुट्टी सैलरी सबकी दोस्तों यहाँ पर देखी जाए तो अच्छी है। और आपको यहाँ पर प्रमोशन के बारे में भी बताया कि किस फोर्स में प्रमोशन ज़्यादा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, तो आप अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें और आपको अच्छी सी जो भी आपकी चॉइस है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, ताकि सिलेक्शन के बाद जब आपका मेरिट बनेगा उसके बाद आपको जो फोर्स मिलेगी वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा दोस्तों कि हमने सही चॉइस दिया था और आपको नौकरी करने में भी मज़ा आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।